दोस्तों, आई एम श्योर आप सबने एक चीज़ जरूर नोटिस किया होगा कि जैसे ही गांधी जयंती का दिन नज़दीक आता है तो इंटरनेट पर एक खास तरह का मीम बहुत ज़्यादा वायरल होने लगता है, और ये आप इस इमेज में देख सकते हो। एक मीम जो मैंने कभी लेटेस्ट में देखा है वो है कि समझदार को इशारा काफ़ी है, कल का जुगाड़ कर ले। ये सीधा सीधा इशारा है लिकर को लेकर, यानी कि शराब को लेकर। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि यार, गांधी जयंती के दिन शराब पर बैन क्यों रहता है? क्या गांधी जी शराब के खिलाफ थे? और अगर खिलाफ थे तो फिर पूरे देश में शराब को बैन क्यों नहीं कर दिया गया है? क्या और भी कई ऐसे दिन है जिसमें शराब बंद रहता है? वेल, चलिए आज इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हैं जानने को, चलिए बात करते हैं। तो देखो, इस वीडियो की शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि देखो, अपने देश में ना तीन नेशनल हॉलीडे है। एक है आपका इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15 अगस्त, एक है आपका रिपब्लिक डे यानी कि 26 जनवरी, और एक है आपका गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर। और ये तीनों दिन में ही आपका शराब पर बैन रहता है, मतलब कि कोई भी बार, होटल, रेस्टोरेंट, जो भी आपका लाइसेंस के साथ आपका जो दुकान खोल के बैठे हैं शराब का, तो उस दिन इनको मतलब कि लीकर को सेल करना, शराब को बेचना इनके लिए सख्त मना रहता है, या ओवरऑल कह लो तो ये पूरी तरह से बंद रहता है। अब इसके पीछे जो रीजन बताया जाता है वो दो तरह के रीजन है। एक कि शराब इसलिए बैन रहता है नेशनल हॉलीडे के दिन क्योंकि यहाँ पर आपका पब्लिक डिसेंसी की बात हो जाती है, वहाँ सार्वजनिक छुट्टी रहती है इस दिन, इसलिए मतलब कि बहुत सारे पब्लिक आपका हॉलीडे में मार्केट में घूमते रहते हैं, तो उस समय अगर कोई शराब पिएगा तो आपका पब्लिक डिसेंसी खराब होगा, पब्लिक डेकोरम, कैसे आपका बिहेव किया जाता है, तो जानते ही हो कि शराब पीने के बाद खुद को तो अलग ही दुनिया में चले जाते हैं सभी लोग। तो वो पब्लिक डेकोरम को मेंटेन करने के लिए जो नेशनल डे होता है तो उस दिन शराब को बैन रखा जाता है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि बस ये तीन दिन, बाकी के त्योहारों के लिए क्या उस दिन पब्लिक डेकोरम नहीं होता है? तो देखो, ये जो लीकर है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, यानी कि स्टेट डिसाइड करते हैं कि उनको अपने स्टेट में लीकर को कैसे आपको मतलब रेगुलेट करना है। जैसे कुछ स्टेट ऐसे हैं हमारे देश में जो उन्होंने शराब को कंप्लीटली बैन कर दिया है, जैसे कि गुजरात, आपका बिहार, मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट हैं, तो उन्होंने अपने देश मतलब कि अपने राज्य में उन्होंने लीकर को कंप्लीट बैन कर दिया है। वही मैक्सिमम स्टेट ऐसे हैं जो कि शराब को रेगुलेट करती हैं, जैसे कि हर एक स्टेट में अपना अपना कुछ नया नया फेस्टिवल होता है, मेजर फेस्टिवल होता है, तो उस दिन वहां पर शराब बैन रहती है। तो ये स्टेट के अंदर में है कि वो कौन से दिन में वो शराब को बैन रखती है पूरे राज्य में। जैसे कि आपका दिल्ली हो गया तो वहाँ रामनवमी, अदर कुछ भी बहुत सारा फेस्टिवल है तो उस दिन शराब पर बैन रहता है। जम्मू कश्मीर हो गया तो वहाँ पर आपका जो अलग अलग त्यौहार होगा तो वहाँ पर वो बैन रहता है। तो ये स्टेट डिसाइड करती है। जैसे महाराष्ट्र हो गया तो वहाँ पर गणेश चतुर्थी के दिन आपका शराब पर बैन रहेगा, तो ये स्टेट का काम है कि वो किस दिन शराब को बैन रखती है। लेकिन मोस्टली कहा जाता है कि ये जो तीन डे है, तीन नेशनल हॉलीडे, आपका रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और आपका ये गांधी जयंती, तो ये मोस्ट ऑफ द स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब इस दिन पूरे देश में कंप्लीटली शराब पर बैन रहता है, कोई भी शराब की दुकान, बार, रेस्टोरेंट कुछ भी नहीं खुली रहती है, और ऑफिशियली इस दिन को ड्राई डे के नाम से हम जानते हैं। जहां तक बात की जाए गांधी जी की, तो देखो, हमारे जो महात्मा गांधी थे वो शराब के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका सीधा कहना था कि ये जो शराब है ना, ये आपका मलेरिया जैसी बीमारियों से भी और ज़्यादा बुरा है। क्यों? क्योंकि जो मलेरिया है या अलग तरह की जितनी भी बीमारियां हैं तो वो सिर्फ हमारे बॉडी को ख़राब करती है, जबकि ये जो शराब है तो ये हमारे बॉडी के साथ हमारी आत्मा को भी ख़राब करता है। और महात्मा गांधी शराब के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका सीधा कहना था कि शराब बिल्कुल भी किसी को नहीं पीना चाहिए, और इसी का परिणाम था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहाँ ऑफिशियली ये मेंशन किया गया है कि शराब को मतलब कि सरकार चाहे तो शराब को बैन कर देना चाहिए। ये DPSP के अंतर्गत आता है, ये कोई राइट्स नहीं है, मतलब ये सरकार जब चाहे तब इसको रेगुलेट कर सकती है, लेकिन ये DPSP के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। और ये मतलब किस लिए मौजूद है, तो ये महात्मा गांधी का चूंकि इम्फेसिस था तो इसलिए महात्मा गांधी के कहने पर मतलब कि कह सकते हो ना कि उनसे इंस्पायर होकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये डाला गया है कि शराब पर बैन होना जरूरी है। और यही एक वजह है कि शुरू से ही गुजरात में आपका शराब पर बैन लगा हुआ है। जब 1960 में गुजरात आपका महाराष्ट्र से अलग होकर गुजरात एक नया स्टेट बना था, तो उसी समय साथ ही साथ मतलब कि महात्मा गांधी को मतलब कि उनको होमेज देने के लिए, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए वहाँ पर कंप्लीटली लीकर को बैन कर दिया गया था। वो अलग बात है कि इलीगल रूप से अभी भी वहाँ पर शराब का सेवन किया ही जाता है। और 2008 या 2010 के करीब में एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था जिसमें कि 131 लोगों की जान चली गई थी आपका ये शराब पीने से। वहीं अगर हम बात करें कि साल 2008 में हमारी जो गवर्नमेंट है तो उन्होंने यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली में एक प्रपोजल रखा था कि जो 2 अक्टूबर का दिन है ना, तो वो पूरी दुनिया के लिए वर्ल्ड नो अल्कोहल डे होना चाहिए, जिसमें कि एक दिन ऐसा हो जिसमें कि कोई भी शराब ना पिए। तो ये आपका प्रपोजल आया था और ये डिक्लेयर हो गया है कि पूरी दुनिया में जो 2 अक्टूबर का दिन है ना,
तो वो वर्ल्ड नो अल्कोहल डे सेलिब्रेट किया जाता है और लोग इस दिन कोशिश करते हैं कि वो अल्कोहल ना पिए। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि यार ये जो शराब है तो उसको गवर्नमेंट कम्प्लीटली बैन क्यों नहीं कर देती है। तो देखो, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि ये जो लिकर है, ये जो शराब है, तो ये स्टेट के अंतर्गत आता है, मतलब कि स्टेट डिसाइड करती है कि लिकर को कैसे रेगुलेट करना है, उसको बैन करना है कि नहीं। जैसे कि गुजरात में बैन था, तो लेटेस्ट में आपको पता है कि बिहार में बैन कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी आप जानते हो कि बहुत सारे इंसिडेंट आते रहते हैं जिसमें कि आपका शराब का सेवन मतलब कि बैन होने के बावजूद भी किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि देखो, अगर हम शराब पर सरकार बैन भी कर देती है ना, फिर भी ये इलीगल रूप से चलेगा ही, और इलीगली इसमें ज़्यादा खतरा है कि वो किसी कैसा भी शराब बना देंगे, जहरीला शराब बना देंगे, और उसको रेगुलेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसके बदले में ये किया जाना चाहिए कि लीकर को आपको रेगुलेट करना चाहिए, और लीकर पर आप जानते हो कि उसमें कितना भी टैक्स लगा दो, पब्लिक को किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो पियेंगे वो तो आपको पैसा दे के, जितना भी पैसा ले लो वो पियेंगे, और कोई पब्लिक इसका प्रोटेस्ट भी नहीं करेगा। जैसे 28% 30% जितना भी टैक्स लगा दो, लीकर पे जितना भी टैक्स लगा दो, कौन रोकने वाला है? कोई प्रोटेस्ट भी इसके खिलाफ नहीं करेगा। तो इससे होता क्या है कि गवर्नमेंट को बहुत सारा रेवेन्यू मिल जाता है, एक मेजर सोर्स हो जाता है रेवेन्यू का। मतलब कि आप ऐसे समझो ना कि जब बिहार में जब लीकर को बैन किया जा रहा था, तो बहुत सारे लोग ये क्लेम कर रहे थे कि इससे बिहार को बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, जो कि एब्सोल्युटली मतलब होता तो है, लेकिन कह सकते हो वही मतलब समझ सकते हो कि रेवेन्यू लॉस करवाना है या फिर लोगों को बचाना है। और मान लो अगर बैन कर भी देते हैं तो वो सिचुएशन आ जाता है कि इलीगली ये चलेगा, ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब अलग तरह का एक नया सिडेंट खड़ा हो जाता है। तो एक्सपर्ट्स, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि लिकर बैन करना ये मतलब अच्छा सुझाव नहीं है, इससे बेटर है कि इसको रेगुलेट करो। और मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट इसको करती हैं, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने लिकर पे कम्प्लीटली बैन रखा है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।